Hey guys, कैसे हो? Welcome back to a new video. Guys, finally, आज की जो ये video है, ये होने वाली है आपके GT San Andreas के graphics mode के ऊपर. और ये जो graphics mode pack है, ये कोई normal graphics mode pack नहीं है. ये आपके ultimate graphics mode pack होने वाला है, जिसके अंदर आपको multiple चीजें मिलने वाली है. और मेरा मतलब है कहने का कि इसके अंदर आपको हर एक वो चीज मिलने वाली है जो एक graphics mode के अंदर बहुत ही ज्यादा काम की आती है. एंड ये जो है इस गेम को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बना देगी. एंड आपको लगेगा नहीं कि ये जो गेम है वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक है. आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गेम प्ले है किस टाइप का दिख रहा है आपको. आई मीन जो इसकी हेडलाइट है और इसकी जो टेक्सचर्स है, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा ऑसम लग रही है. एंड जो रे ट्रेसिंग है इसके अंदर, बेसिकली आपने रे ट्रेसिंग तो सुना ही होगा, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा. तो यार वो क्वालिटी जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक ये लगने वाला है आपको. क्योंकि जब मैंने इसको अपने फोन में खेला तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा ये वाला मोड पैक. और इसके अंदर मैंने कुछ और चीजें भी ऐड की है जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है. इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे क्लोज स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करी है, साथ में आपको यहाँ पे सारे के सारे टेक्सचर जो है पूरे चेंज देखने के लिए मिलेंगे. एंड कुछ ऐसी यूनिक स्पोर्ट्स कार्स भी यहाँ पे ऐड की गई है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एक अच्छा वाला एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी. एंड उसी के साथ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो स्काईबॉक्स आपको मिलने वाला है ये 4K स्काईबॉक्स से भी बहुत ही बेहतरीन है, जो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है 4K स्काईबॉक्स, आपको पता होगा. तो उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतरीन वाला स्काईबॉक्स है ये. और बहुत ही अच्छा जो ये मोड पैक है ये मुझे लगा है, क्योंकि DirectX 3.0 से भी यार ये थोड़ा बहुत टक्कर दे रहा है उसको भी. DirectX 3.0 जिनको नहीं पता, तो वो मैंने जो है अपने चैनल पे अपलोड किया था और बहुत ज्यादा भर के व्यूज आए थे उसके अंदर और काफी सारे लाइक्स आए थे और काफी लोगों ने कहा था कि बहुत ही अच्छा मोड था. एंड उसी के सिमिलर ये मोड पैक थोड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके अंदर जो आप शेडोज देख सकते हो या पे जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा उसम आ रहे हैं. एंड ये लग ही नहीं रहा है कि कोई नॉर्मल मोड है, ये बहुत ही हाई एंड मोड पैक है गाइस. एंड इसी के साथ में अगर आपके फोन के अंदर ये गेम लैग करता है तो आप सेटिंग्स को थोड़ा लो कर सकती हो. ये बेसिक टिप है जो मैं स्टार्टिंग में आपको देना चाहूंगा. एंड जो भाई साहब जो कार्ड्स है यार वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो कार्ड्स है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है इस गेम की. क्योंकि इस गेम में जो कार्ड्स ऐड की गई है वो नॉर्मल कार्ड्स नहीं है यार, वो लाइक बड़े बड़े गेम से उठाई गई है एंड बहुत ज्यादा ऑसम लग रही है. तो गाइज ये वीडियो को पूरे देखते रहो, इस वीडियो में मैं आपको इस गेम का इंस्टॉलेशन दिखाने वाला हूँ, साथ में इसको किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको करनी होगी वो भी मैं बताने वाला हूँ. ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अगर आप चाहते हो अपने फोन के अंदर इस गेम को, इस मोड को डाउनलोड इंस्टॉल करना, तो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज आई एम गोना शो यू फुल इंस्टॉलेशन ऑफ दिस मोड. एंड गाइस इसी के अलावा आपको यहाँ पे मिलने वाली है GTA 5 ऑनलाइन की बुलेट कार, जी हाँ इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता मुझे, बट GTA 5 ऑनलाइन की रियल कार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम लगी है मुझे. सो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि रेगुलर जो है इसी तरीके की वीडियोज जो है अपलोड होती रहती है चैनल पे. तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको लेके चलूंगा इंस्टॉलेशन के, और इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा कैसा इंस्टॉलेशन है, क्या क्या आपको करना होगा. और सो या लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन. गाइस आपको फाइल डाउनलोड करनी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हमेशा की तरह. पासवर्ड यहाँ पे आपको क्या डालना है, सी पासवर्ड आपको डालना है, बाय एंड सैफ्रॉन गाइस सी, यही पासवर्ड डालना है. उसके बाद में ओके करो. ओके करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि फाइल बड़ी है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा. ठीक है, फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसको ओपन करो. ओपन करने के बाद एक और फोल्डर मिलेगा, उसको यहाँ से कट कर दो. ठीक है, कॉपी कट जो आपको ऑप्शन आएगा तो उसमें से कट कर दो. ठीक है, डिवाइस मेमोरी एंड्रॉइड डेटा एंड पेस्ट हेयर. पेस्ट करने के बाद फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर को ओपन करो. फोल्डर को ओपन करने के बाद में आपको फाइल्स में जाना है. फाइल्स में जाने के बाद TXT में जाना है. उसके बाद में आपको GTA 3 का फोल्डर दिख रहा होगा, इसको यहाँ से आपको ओपन करना है. उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है रीनेम करना है अपने GPU के अकॉर्डिंग. ठीक है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि आपका GPU अगर पावर VR है तो आपको PVR लिखना है. और वैसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको पता होगा अपना GPU, अगर नहीं पता है तो CPU-Z नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना GPU जो है पता कर लो. ठीक है, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता रहता है, बेसिक चीज़ है. तो मैंने
यहाँ पे जो है PVR लिख दिया है यहाँ पे, और कहीं आपको नेम चेंज नहीं करना है गाइस, ठीक है, कहीं पर भी नेम चेंज नहीं करना है। दैट सेड आपका जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक और बात कि आपको जो है कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है यार रीनेम के अंदर। काफ़ी लोग होते हैं जो रीनेम में मिस्टेक कर देते हैं और जिस वजह से जो है उनका गेम पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। तो आई होप कि आपने जो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन है वो अच्छे से देख लिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है गाइस इंस्टाग्राम है आप ही लोगों के लिए, मेरे को वहाँ पे मैसेज करो। अगर बहुत ही पर्सनली बात करनी है तो वहाँ पे मैसेज करो, एंड अगर एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम है, छोटा सा इश्यू है, तो आप मुझे जो है कमेंट के अंदर मैसेज कर सकते हो। मैं कमेंट के रिप्लाई सबके दे देता हूँ, सब जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर छोड़ देना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड वीडियो अभी ख़त्म नहीं होती है यार, अभी और काफ़ी चीज़ें बतानी है मुझे आपको इसके बारे में। बेसिकली अगर मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार जो है एकदम यूनिक तरीके की मिलने वाली है, जो कि आपको बड़े बड़े जो गेम्स है GTA 5 ऑनलाइन और GTA 4 जैसे गेम्स जो है यहाँ पे उठाई गई है, और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स कार, अच्छी वाली स्पोर्ट्स कार्स है यहाँ पे, तो आपको जो है गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लस यहाँ पे जो टेक्सचर्स है वो पूरे के पूरे चेंज किए गए हैं, यानी कि जो टेक्सचर्स है वो आपको नॉर्मल नहीं मिलने वाले, नॉर्मल टेक्सचर्स है, आपको बहुत ही ज़्यादा हट करके जो है टेक्सचर्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उत्सम लगने वाले हैं आपको। एंड उसी के अलावा यहाँ पर आपको मैंने जो है टेक्सचर के साथ में आपको रिफ्लेक्शंस मिल जाएंगे, जो कि इनबिल्ट रिफ्लेक्शंस होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा उत्सम लगेंगे। उसी के साथ में स्काई बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया स्काई बॉक्स आपका जो है 4K वाले स्काई बॉक्स से भी बहुत ही बेहतरीन है, और काफ़ी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया इस मोड पैक के अंदर। और एक मेन चीज़, ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर जो है जो प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ज़्यादा उसम देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मल प्रीव्यू जो होता है आपकी GT San Andreas का विदाउट मोड्स का, वो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो गाइस आई होप कि जो वीडियो है आज की आपको अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर छोड़ देना गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, और देखो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। देखो मैं एक चीज़ जो है हर वीडियो में बोलता हूँ, और वो ये है कि काफ़ी लोग जो है चैनल पे सब्सक्राइब है लेकिन नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास जाता है। इसका रीज़न ये है कि बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है वो काफ़ी कम लोगों ने ऑल पे किया होता है, जिस वजह से काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, और यही एक वजह है कि वीडियो को काफ़ी लोग जो है मिस कर देते हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिस कर देते हैं। तो गाइस आप ऐसा मत करो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि वो एक नई चीज़ है मेरे लिए, एंड उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, एंड उसी से आपके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, एंड आप वीडियो को कभी मिस नहीं करने वाले, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।